नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर स्टूडेंट टेंथ के बाद उसे तीन स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम चुनना होता है। इसमें हम बात करने वाले हैं कॉमर्स में, और कॉमर्स में इन स्टूडेंट के बारे में बहुत सारे डाउट चलते हैं कि क्या हमें कॉमर्स में मैथ लेना ज़रूरी होता है, क्या हमें मैथ लेना ही चाहिए, क्या अगर हमें मैथ नहीं लिया तो क्या मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं जो कि हमारे देश के कुछ महान लोग फैलाकर रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इन सभी मिथों को मैं दूर करूंगा और आपको क्लियर कर दूंगा कि मैथ लेना आपके लिए कितना ज़रूरी है और कितना नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सीधे सीधे आपको साफ़ कर दें कि आपको 11th 12th में मैथ लेना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। अगर मैथ आपने नहीं भी लिया है तो आपका लाइफ बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम बड़ा नहीं आएगा आपके सामने जिससे आपके लाइफ में कुछ रुकावट आ सके। दोस्तों, टोटली डिपेंड करता है कि आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आपको 11th या 12th में मैथ लेना चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं लीजिए। बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना है। अगर मैथ आपको अच्छा लगता है 11th 12th में, तो आप 11th 12th में मैथ लेकर आप आगे को अपने करियर को बढ़ा सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए आपको, आप विदाउट मैथ जा सकते हैं कॉमर्स में, ठीक है। दोस्तों, फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ग्रेजुएशन में क्या हमें एडमिशन मिलेगा विदाउट मैथ। तो हम आपको बताते चलें कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो विदाउट मैथ एडमिशन लेती है, ठीक है। जैसे दिल्ली को छोड़ दिया जाए, दिल्ली में अगर आपको बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स में जाना है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है अगर विदाउट मैथ है तो, ठीक है। अदरवाइज आपको हर यूनिवर्सिटी लगभग विदाउट मैथ ही लेती है, ठीक है। ऑनर्स लीजिए, जनरल लीजिए, जनरल तो हर जगह मिल ही जाता है विदाउट मैथ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अगर मैथ आपने नहीं भी लिया है तो। दोस्तों, वही अपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर विदाउट मैथ हर कोर्स मिल जाएगा बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स को छोड़कर, ठीक है। तो लगभग आपके लिए यहाँ पर सेटल है। अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं आप, तो आपके लिए यहाँ दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मिथ था जो देश में फैला हुआ था, इसे हमने क्लियर कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा टाइम पर मिलता रहे।